हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना .com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियोस आपको फ्यूचर में मेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। प्लस फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ट्विटर के जरिए आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस चुनने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप सीधा हमारी साइट पर विजिट कीजिए, जिसका नाम है www.asanhaina.com। वहाँ आपको हमारे सारे लेक्चर एक सीरीज़ में अवेलेबल होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो किस तरह का नेचर परफॉर्म करता है, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है, इट इज़ द बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट इट इज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, नेक्स्ट इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कंपनी, नेक्स्ट वी हैव इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड द लीस्ट लास्ट इज इट डिफाइन द कंपनी रिलेशन। मीन्स ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इट इज़ द बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो हमारा मीनिंग है चार्टर का, मीन्स क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारी कंपनी है या फिर हमारी मतलब कोई भी कंपनी की एसोसिएशन है या एंटरप्राइज है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बिना क्या नहीं हो सकती, फॉर्म नहीं हो सकती। जब तक आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म नहीं करेंगे, ये क्या है आपकी, ये किसी भी कंपनी का बेस होता है। अगर आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएंगे तो आप अपनी कंपनी को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी कंपनी को फॉर्म नहीं कर पाएंगे ना आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं और ना ही आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, सर्वाइव कराना है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको सबसे पहले अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा। क्योंकि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें आपकी कंपनी की सारी पावर्स, सारी लिमिटेशंस क्या होती है मेंशन होती है, और उन्हीं को देख के आप क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये हुआ हमारा इट इज़ द बेसिक चार्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट हम आते हैं इट इज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मीन्स जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, कंपनी की लिमिटेशंस को बताती है, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को बताती है कि कंपनी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और लिमिटेशन मीन्स कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, क्या क्या कंपनी के फंक्शंस हैं, क्या क्या कंपनी के राइट्स हैं और क्या क्या वो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द कंपनी। मीन्स जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट है वो हमारी कंपनी क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ ROC, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको परमिशन देगी तो आप क्या करेंगे, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ROC की परमिशन नहीं है, या जो हमारे कंपनी एक्ट को बनाते हैं, हमारे जो लॉज होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, अगर उनके परमिशन लिए बिना आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वो मान्य नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने हैं तो आपको सबसे पहले ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की परमिशन लेनी होगी। आप वैसे तो कर ही नहीं सकते हो चेंजेस, बट इन केस कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी। मीन्स जो आपकी कंपनी है उसकी क्या क्या एक्टिविटी है, उसके सारे एक्ट्स को हमें बताता है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कंपनी के बियॉन्ड जाकर, कंपनी के एक्ट के फंक्शंस के बियॉन्ड जाकर, मतलब उसके बाहर जाकर परफॉर्म करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, वो क्या है, एक अल्ट्रा वायरसेस का मीनिंग क्या होता है, जो किसी चीज़ की लिमिटेशन के बाहर की जाती है, क्रॉस बाउंड्रीज। मीन्स आपको, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको किसी ने बोला कि आपको सिर्फ इसी, मतलब आपको 100 रुपीज़ दे दिया और आपको बोला कि आपको 100 रुपीज़ का ही सामान लेके आना है, बट आप डिमांड कर रहे हो 200 रुपीज़ की, तो वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपकी जो कंपनी है उसमें भी सेम यही केस है। अगर आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी परफॉर्म करना है, तो आपको कंपनी की लिमिट्स में रहकर इसको क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मीन्स जो हमारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे कोई भी स्टडी कर सकता है। और जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट है
उससे कोई भी ओपन कर सकता है, उसके इंस्पेक्शन कर सकता है जो भी कंपनी से डील करता है। इट इज़ ओपन टू इंस्पेक्शन बाय दोज हु डील विद द कंपनी। जो भी कंपनी के साथ या कोई उसका शेयर होल्डर हुआ, कोई क्रेडिटर हुआ, या कोई डेप्टर हुआ, या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा पर्सन हुआ जो कंपनी के साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर ले रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या कर सकता है, कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको डिटेल में स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इट डिफाइन द कंपनी रिलेशनशिप्स। मीन्स जो आपकी कंपनी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, जो आपकी कंपनी है उसकी रिलेशनशिप, मतलब उसके किस किस के साथ कैसे रिलेशंस है, आपकी कंपनी के मेंबर्स के साथ या फिर आउटसाइडर्स के साथ, जो कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कोई इन्वेस्ट करने आता है, कोई आपका शेयर होल्डर होता है, उनके साथ क्या करता है, आपकी कंपनी की रिलेशनशिप बताता है कि आपके कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे उनके साथ रिलेशन है, आप किसके साथ अपना एग्रीमेंट कर रहे हैं, किसके साथ अपना एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है आपको, पूरी की पूरी कंपनी की रिलेशनशिप बताता है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, आपके शेयर होल्डर्स के साथ, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स के साथ। तो ये क्या हमारे फीचर्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। प्लीज़ 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 अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी पूरी पूरी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।